गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू पीपल आर फाइन। चलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे सेट थ्री में लेक्चर नंबर थ्री, थर्ड लेक्चर है बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे लॉज के बारे में। अभी हम लोग क्या डिस्कशन करें, एक दो तीन चार, यानी अभी हम लोग चार लॉज का डिस्कशन करेंगे। पहला लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि यूनियन, इस तरफ भी यूनियन, इस तरफ भी यूनियन। पहला लॉ यूनियन, तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए अच्छा इंटरसेक्शन कर लो, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा लॉ हो गया एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी और ब्रैकेट बंद यूनियन सी बराबर ए यूनियन, इधर ब्रैकेट, इसको खिसका के यहां कर दोगे, इसको यहां पे है, ब्रैकेट खिसका के यहां कर दोगे, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये आप सब की सबको इंटरसेक्शन कर दो, सबको इंटरसेक्शन कर दो, अब ये ब्रैकेट खिसका करके इधर कर दो, तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो LHS होगा वही का वही RHS भी होगा, ठीक है। उसके बाद है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ इस बंदे ने बनाया था, डिमॉर्गन्स ने दिया इस लॉ को, इसलिए इसका नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। दो तरह के ये लॉ, दो ये, दो ये और दो ये, ये तो नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है। दो लॉ, ए यूनियन बी का डैश करोगे, तो अगर यूनियन का ऐसे डैश करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री करोगे, तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन बन जाएगा। अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो यूनियन बन जाएगा, और सिंगल सिंगल अकेला अकेला हो जाएगा। ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश करोगे, ए डैश यूनियन बी डैश, ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसी को हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो मैंने लिखा है। ए यूनियन बी का डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिमॉर्गन्स लॉ। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका नाम जो है अलग तरीके से यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये इसके साथ जाएगा यूनियन के साथ, और फिर ये इसके साथ जाएगा यूनियन के साथ, और बीच में आएगा ये वाला साइन इंटरसेक्शन आएगा, जो साइन लिखा रहता है ना वो बीच में आता है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है यहाँ, यूनियन लिखा था यहाँ यूनियन आएगा, और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यानी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसको करेंगे, ये जाएगा इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी, ये जाएगा इसके साथ ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आएगा यूनियन का साइन। इसमें कोई इस तरह से होता है कुछ, को थ्री इंटू फोर करो या फोर इंटू थ्री करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होता था, याद करो, थ्री प्लस फोर करो या फोर प्लस थ्री करो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। समझ में आ गया, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ बाद देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस तरह से इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, टू इंटू थ्री माइनस फाइव, तो इसको क्या लिखते थे पहले याद करो, टू इंटू थ्री ब्रैकेट यहाँ पे फिर माइनस टू इंटू फाइव, ऐसा लिखते थे ना, तो कुछ इस तरह से है, ये छोटे क्लास में पढ़ाया जाता था, अभी उसको सेट का रूप दे दिया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में मैं डिस्कशन और करता हूँ, सेट बना के सॉल्यूशन कर करके मैं क्वेश्चन करके सॉल्व बताता हूँ, मैं आपको सब लॉ प्रूफ करके आज दिखाऊंगा। जी तो हमारे लॉज हो गए, अभी लॉ को मैं पेपर में क्या आएगा, प्रूफ करने आएगा कि प्रूफ करो ये लॉ सही है या गलत है। आपको एक सेट दिया रहेगा, उस सेट के मुताबिक इनको सबको प्रूफ करना है कि सारे लॉ सही है, यानी वेरीफाई करना है। अगर ये CBSE का बोर्ड नहीं होता, अगर GSEB का बोर्ड होता, जो अभी बुक चल रही है बोर्ड GSEB का है, बट बुक चल रही है CBSE की, अदरवाइज गुजरात बोर्ड में पहले ये नाइन्थ क्लास में ही था, ये सेट थ्योरी पहले नाइन्थ क्लास में था। मैंने भी बिहार में पढ़ाई किया हुआ है, तो वहाँ में हमारे यहाँ भी नाइन्थ क्लास में ही था, ये ज़्यादा कुछ भारी चीज़ नहीं है, इसको आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, रसगुल्ला है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में रखा, और छोटा चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, सपोज करो यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ मैं, सपोज करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ए ले लेता हूँ मैं वन टू थ्री फोर, बी ले लेता हूँ मैं थ्री फोर फाइव, सी ले लेता हूँ मैं फोर और फाइव। अब मैं यहां पर पहला लॉ प्रूफ, पहला क्वेश्चन रहेगा वेरीफाई,
कमिटेटिव लॉ, कमिटेटिव लॉ, तो मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ, और ये लॉ मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं। पहला पहला ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये वेरीफाई करता हूं। एलएचएस को डील करता हूं, ए यूनियन बी, अब ए लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनियन बी लिखो 3 4 5। यूनियन का मतलब मिक्स करना है बिना रिपीट किए, तो मिक्स करना है बिना रिपीट किए क्या आएगा सीधा 1 2 3 4 और 5। ये हमारा एलएचएस रेडी हो गया। अब हम आरएचएस के ऊपर आते हैं। आरएचएस हमारा क्या है, बी यूनियन ए, तो बी हमारा क्या है 3 4 5 यूनियन, ए क्या है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मिक्स करना है बिना रिपीट किए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। सारे सारे लिख रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं करना है, तो ध्यान से देखोगे तो ये और ये मैच हो रहा है। देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ये मैंने फर्स्ट लॉ, इसका फर्स्ट लॉ वेरीफाई कर दिया। अभी इसका सेकेंड लॉ वेरीफाई करता है, यहाँ जगह कम है तो इसको मिटा के कर देता हूं। सेकेंड लॉ क्या है हमारा, सेकेंड लॉ देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये वेरीफाई करना। एलएचएस को डील करता हूं, ए लिखो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी, ये रहा हमारा एलएचएस। बी क्या है 3 4 5, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है वो, तो दोनों में क्या कॉमन है 3 और 4, इसका रिजल्ट आएगा 3 कॉमा 4। ये हमारा एलएचएस रेडी हो गया। अब आरएचएस की बात करें, आरएचएस क्या है बी इंटरसेक्शन ए, चलो भैया बी लिख दो 3 4 5 इंटरसेक्शन ए लिख दो, तो 1 2 3 4, अब जो दोनों में कॉमन है तो 3 4 दोनों में कॉमन है। अब देखो ये आरएचएस हो गया, इसलिए देखो सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो हो गया यहां से वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड कर दिया हमने, कॉम्पिटेटिव लॉ वेरीफाइड कर दिया, पता चल गया होगा, बहुत आसान है, इस पे भारी काम तो था नहीं, आसान है ये मैंने कॉम्पिटेटिव लॉ वेरीफाई कर दिया। अब मैं करने वाला हूं वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ, अब वेरीफाई करूंगा मैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ याद करो क्या होता था, ब्रैकेट को खिसका देते थे यूनियन में भी, ब्रैकेट को खिसका देते थे इंटरसेक्शन में भी। अब हमारी बारी है एसोसिएटिव लॉ को, वेरीफाई एसो एसोसिएटिव लॉ, पहला वेरीफाई करने जा रहा हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट खिसका देना, ये ब्रैकेट खिसका देना। अब एलएचएस और ये आरएचएस सेम आ जाए तो हो जाएगा वेरीफाई। एलएचएस को डील करता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन बी अभी तुरंत मैंने निकाला था, ध्यान देना याद करो पिछले पेज में, यूनियन बी में क्या किया था, ए और बी को मिस किया था बिना रिपीट किए, तो 1 2 3 4 और 5 लाया था, और यूनियन सी, सी क्या है 3 4 5, अब ये लिखना है बिना रिपीट किए, तो वापस सेम टू सेम लिखा जाएगा भैया 1 2 3 4 5, यही लिखा जाएगा। ये हमारा क्या बन गया एलएचएस। अब आते हैं आरएचएस के ऊपर, आरएचएस में ए लिखना है पहले, ए लिख दो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए लिखना है पहले, ए क्या है 1 2 3 4 यूनियन, बी और सी को मिक्स करना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, बी और सी को मिक्स करना है रिपीट नहीं करना है, तो क्या होगा 3 4 5 हो जाएगा खाली, 3 4 5 हो जाएगा खाली। अब फिर से इन दोनों को मिक्स तो करना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, 1 2 3 4 और 5,
अभी हमारा आरएचएस, गौर से देखो, एलएचएस देखो और आरएचएस देखो, हो गया ना? एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई कर दिया, फर्स्ट लॉ वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ के ऊपर, वेरीफाई करना करने जा रहे हैं हम लोग। अब सबको इंटरसेक्शन कर देना है, ये सबको इंटरसेक्शन कर देना है। ये मिटा इसलिए दिया जल्दी जल्दी क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, आसान काम है। अब आते हैं इंटरसेक्शन सेकेंड लॉ पे। आज की क्लास में आपको सारे सारे लॉ वेरीफाई करके दिखा दूंगा। सेकेंड लॉ हमारा क्या है? सेकेंड लॉ ए, अब यहां इंटरसेक्शन रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अभी ब्रैकेट इधर, अभी ब्रैकेट इधर, ब्रैकेट को क्या खिसका देना है खाली। अब एलएचएस को डील करूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो लिखिए, और सी तो पता है हमें। ए और बी में जो कॉमन है लिखिए, क्या दिख रहा है? ए और बी में कॉमन दिख रहा है, 3-4 खाली दिख रहा है कॉमन, है ना? तो 3-4 लिख दिया, और सी 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 4-5 4-5। अब यहां से अभी दोनों में जो कॉमन, सिर्फ 4 कॉमन है दोनों में, ये हमारा एलएचएस रेडी हो गया। अब बारी है आरएचएस की, इसमें ये लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है, 4-5 4-5 4-5 कॉमन ले लिया। अब इसका मतलब दोनों में, अब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है, देखो ना। हाँ देखो, मैच हो गया, ये आरएचएस देखो तो आ गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। तो अब इस तरह से दो लॉ वेरीफाई कर दिया मैंने, एक तो कॉम्पिटिटिव लॉ वेरीफाई कर दिया, अब एसोसिएटिव लॉ भी वेरीफाई कर दिया। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, उसको वेरीफाई कर देता हूं। आज सारे सारे लॉ, ये चारों लॉ को वेरीफाई करके मैं बता देता हूं। आपके क्वेश्चन में होगा इस तरह से एबीसी, यहां पर एबीसी लिखा रहेगा या पी क्यू आर एस टी लिखा रहेगा इसके जगह पर, तो वेरीफाई से करना, जिससे मैं कर रहा हूं, क्योंकि तो मेंबर्स हैं, मेंबर्स तो बदल ही सकते हैं, तो मेंबर बदल के क्या हो सकते हैं वो देख लो। अब आते हैं हम लोग वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मान लो, अब ये इसके साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, अब इसके साथ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आएगा यूनियन, इसका नाम क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ऐसे ही है हमारा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चलो ये हमारा एलएचएस, लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलो तो यहां से ए क्या है हमारा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी, बी और सी को मिक्स करिए बिना रिपीट किए, बी और सी को मिक्स करिए बिना रिपीट किए, तो 3 4 5 3 4 5। अब इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन है, तो 3 4, तो इसका आंसर आ गया 3 4। ये हमारा एलएचएस रेडी। अब आरएचएस की बात करूं, आरएचएस में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? ए और बी में जो कॉमन, ए और बी में क्या कॉमन है? 3 4, तो 3 3 4 यूनियन। ए और सी में कॉमन क्या? ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में सिर्फ 4 कॉमन है, सिर्फ 4 कॉमन है। अब इसको यूनियन करना है, मिक्स करना है बिना रिपीट किए, तो क्या होगा? सिर्फ 3 4 होगा, वो आरएचएस। तो देखो जरा सा एलएचएस और देखो आरएचएस, तो अगेन एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड हो गया। दूसरी लॉ भी यही हो जाएगा प्रूफ। दूसरा लॉ क्या हमारा? ये आईओसी था, यूओआई हो जाएगा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये इसके साथ जाएगा ए यूनियन बी, फिर इसके साथ जाएगा ए यूनियन सी और बीच में आएगा इंटरसेक्शन का साइन। पहले जिसको डील करूं क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए लिखिए, ए लिखो बच्चे 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनियन, बी और सी में मिक्स, बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन है 4 5 4 5 दोनों को मिक्स करना है बिना रिपीट किए, यूनियन है ना, यूनियन मतलब मिक्स विदाउट रिपीट, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया, ये हमारा क्या रेडी हुआ LHS। अब RHS पे आ जाए, कहा है ये रहा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यूनियन ए यूनियन बी क्या मतलब ए और बी को मिक्स करिए बिना रिपीट किए, ए और बी को मिक्स करिए बिना रिपीट किए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन ए एन इंटरसेक्शन यूनियन ए यूनियन सी, ए और सी को मिक्स करिए बिना रिपीट किए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब इन दोनों जो कॉमन है वो लिखिए, सारे कॉमन है 1 2 3 4 5 अब ये हमारा RHS, LHS और RHS, देखिए देखो भैया LHS और RHS दोनों मैच हो गया, therefore LHS equals to RHS verified खत्म। यहां से मैंने तीन लॉ वेरीफाई कर दिया है, देख लो आराम से, आसान काम है, इसमें बहुत मेहनत नहीं है। अब लास्ट एक लॉ है डिवर्गेंस लॉ का वेरिफिकेशन, डिवर्गेंस लॉ वेरीफाई हो जाए तो हमारा चारों का चारों लॉ एक साथ वेरीफाई माना जाएगा। जितना मैं लिखता हूं मैंने शॉर्टकट में लिखा है, कुछ बच्चे को मैं देखता हूं जैसे दिया फटाफट सीधा आंसर लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, कुछ डिस्कशन नहीं करते, तो उनका भैया डायरेक्ट मार्क्स भी काट दिया जाएगा। मैंने जो लिखा है बहुत शॉर्टकट में लिखा है, अब इससे ज्यादा शॉर्टकट मत कर देना, मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चे से समझ लेते हैं, बहुत शॉर्टकट करते हैं, ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं करना, ज्यादा लॉन्ग कट भी नहीं करना है। अब हमारी बारी है लास्ट वन डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन ने लॉ दिया था इसीलिए उसके नाम से है। पहला ए यूनियन बी का डैश क्या होता था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, LHS को डील करूं मैं, LHS का मतलब क्या, ए यूनियन बी का डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल लॉ माइनस ए यूनियन बी। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ, यहाँ पर क्या है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस ए यूनियन बी, यानी ए और यूनियन ए और बी को मिक्स करिए बिना रिपीट किए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो यहां से 6 तक फिर 5 तक पूरे कट गया, तो खाली इसमें क्या बच गया 6। ऐसे जब कटे ना तो सिर्फ जो लेफ्ट साइड में बचे उसको ही लिखना, इसमें अगर बच भी जाए तो उसको मत लिखना, सिर्फ इधर लिखना, तो हमारा 6 हो गया LHS। देखते हैं RHS पे आते हैं, RHS क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो सबसे पहले तो हमें बाजू में ए डैश निकालना पड़ेगा, यूनिवर्सल लॉ माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस ए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, क्या बच गया 5 6 यानी ए डैश का मतलब यहाँ पे हमें लिखना है 5 6। अब बी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल सेट माइनस बी यूनिवर्सल सेट है, लॉ गलती से बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 माइनस बी 3 4 5 3 4 5 कट जाएगा 3 4 5 हमारे पास क्या बच गया 1 2 6 1 2 और 6 बच गया। इसके जगह पे हम लोग इंटरसेक्शन इसके जगह लिख देंगे हम लोग 1 2 6। अब इस दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सिर्फ 6 कॉमन है, दोनों में सिर्फ 6 कॉमन है इक्वल टू RHS LHS और RHS। देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे भी 6 therefore LHS
इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड वेरीफाइड। तो ये हमने पहला लॉ वेरीफाई कर दिया बच्चों। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा लॉ वेरीफाई करने के लिए तैयार है। तो हमारा ये आज का जो है लॉ, जो जितने लॉ का डिस्कशन करने वाला था, मैं जो टारगेट लिया था लॉ डिस्कशन करूंगा तो वो फिनिश हो जाएगा। गुजरात सरकार ने 3 चैप्टर दे दिया है, लेकिन ट्रिगोमेट्री में बहुत सारा काम होता है कराना, बेसिक से कराना था, बहुत फाउंडेशन से कराना था, 10 से चालू किया था बच्चों, तो थोड़ा उसमें टाइम लगा। फिर भी एक्सरसाइज 3.5 नहीं हो पाया। मैंने बोला था ट्रिगोमेट्री 3 लेवल में करवाऊंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 मैंने करा दिया है, बीच में कभी लेवल 2 करा दूंगा और 12th में लेवल 3 करा दूंगा, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्री का काम खत्म होगा, ट्रिगोमेट्री में एक्सरसाइज 3.5 अभी रहने दिया है। अभी आ जाते हम लोग, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था इसीलिए। अब आ जाए सेकेंड लॉ, क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है। अब LHS को डील करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही का यही कॉपी। अब यहाँ सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को निकालना पड़ेगा। तो चलो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, डाइट कर देता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन है, पहले 1, 2, 3, 4, 5 इधर से उठा दिया, माइनस ए और बी में, ए और बी में जो कॉमन है ये रहा 3, 4 कैंसल, 3, 4 कैंसल, 1, 2, 5, 6 क्या बच गया, 1, 2, 5, 6 ये हमारे पास बच गया। अब आते हैं हम लोग नाव आर एच एस के ऊपर आते हैं, क्या ए डैश यूनियन बी डैश, जरा इधर ए डैश निकाले, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तुरंत निकाला था मैंने लेकिन डिलीट कर दिया, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये कट जाएगा, कट जाएगा, बच गया 5, 6 ये तो आसान है, थोड़ा तेजी से कर दिया लो। और बी डैश भी निकाला था मैंने, यूनिवर्सल सेट माइनस ए बी, बी आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस बी, बी 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 क्या है 3, 4, 5 3, 4, 5 तो क्या बच गया 1, 2, 6 चलो। अब यहाँ ए डैश बोले तो, ए डैश बोले तो 5, 6 यूनियन बी डैश बोले तो 1, 2, 6 अब यहाँ दोनों में कॉमन, दोनों में मिक्स करना है बिना रिपीट किए, 1, 2 क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब ये हमारा आर एच एस हुआ। अब जरूरत है LHS से मैच कराने का, ये हमारा LHS है 1, 2, 5, 6 1, 2, 5, 6 देयरफॉर LHS इक्वल्स टू आर एच एस, बॉक्स बनाएंगे लिखेंगे वेरीफाइड। तो इस तरह से बच्चों आज हमने 4 लॉ को बताया, चारों लॉ को वेरीफाई करके भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया। तो फिर आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।